गुड आफ्टरनून बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर हमने किया था अर्बन लाइवलीहुड्स। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इन व्हाट वेज इज ए परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम ए कैजुअल जॉब। डिस्कस कि परमानेंट या रेगुलर जॉब कैजुअल जॉब के किस तरीके से मुख्तलिफ है, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। इन ए परमानेंट एंड रेगुलर जॉब एन एम्प्लॉय गेट्स ए सैलरी रेगुलरली। एक परमानेंट या जो रेगुलर जॉब होती है उसमें जो एम्प्लॉय होती है उसको सैलरी क्या मिलती है, रेगुलरली मिलती है। ही गेट्स अदर बेनिफिट्स बिसाइड्स ए रेगुलर सैलरी। एक रेगुलर सैलरी के अलावा ही गेट्स अदर बेनिफिट्स, उसको अलग वो बाकी अलग फ़ायदे भी मिलते हैं, सच एज सेविंग फॉर ओल्ड एज, जो उसका बुढ़ापा है उसके लिए उसकी बचत होती है, हॉलीडेज छुट्टियाँ मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हिज फैमिली, उसके और उसके परिवार के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है एक्स्ट्रा। दस ही जॉब इज सिक्योर, जिसकी वजह से उसकी जॉब क्या है, सिक्योर है, सुरक्षित है। बट कैजुअल वर्कर्स अवेल नो जॉब सिक्योरिटी। लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनको दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं, उनको कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन दे आर आस्ट टू लीव। अगर जो कैजुअल वर्कर होता है, अगर वो अपने तनख्वाह या अपने काम के लिए कोई भी कंप्लेंट करता है तो दे आर आस्ट टू लीव, उनको कहा जाता है, उनको कंपनी छोड़ने के लिए कहा जाता है। दे डू नॉट गेट अदर बेनिफिट्स, उसको उनको जैसे परमानेंट या रेगुलर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते, वैसे इनको कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलते। वट बेनिफिट डज सुधा गेट्स अलॉन्ग विथ हर सैलरी। जो सुधा थी उसको उसकी सैलरी के अलावा और क्या फ़ायदे मिल रहे थे? सेविंग फॉर ओल्ड एज, जो उसको बुढ़ापे के लिए उसके लिए बचत बचत जो बचत था उसके लिए, ए पार्ट ऑफ हर सैलरी इज कैप्ट इन ए फंड विद द गवर्नमेंट। उसकी जो सैलरी तनख्वाह थी उसका जो एक थोड़ा सा हिस्सा क्या था वो एक फंड में रखा, सरकारी फंड में रखा जाता है। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस, उसको उन जो सेविंग होते हैं उसके उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब, जब वो उस जॉब से रिटायर हो जाएगी, शी विल गेट दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, फिर उसको वो पैसा पेंशन के फॉर्म में मिलता है। सेकेंड, सुधा गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड ऑन नेशनल हॉलीडेज। सुधा को संडेज को छुट्टी मिलती है और बाकी जितनी भी नेशनल नेशनल हॉलीडेज होती है उन पे भी। तीसरा है मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर आर फैमिली, उसके परिवार के लिए मेडिकल की फैसिलिटी मेडिकल की सुविधा मिलती है। थैंक यू बच्चों।